गुड डे क्लास एट। मैं अरविंद कुमार सिंह संस्कार धर्मपुर से। आज हिंदी क्लास बसंत पुस्तक चौथा पाठ बसंत पुस्तक का दीवानों की हस्ती, जिसके लेकर भगवती चरण करवा। बच्चों आपने कविता सुनी होगी इसके पहले, बुंदे लेहर दोनों के हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी बहनों छासी वाली रानी। तो यह कविता किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। उसी तरह से वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो श्री राम, या फिर थाल सजा कर किसे पूजने चले, ताप हिम्मत वाले कहां चले, तुम राम नाम का पीता अमृत पर ऊपर डाले। मीन्स ऐसी ये कविताएं हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रेरित करती हुई कविताएं साहित्य जगत के लिए कवि हुए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और भगवती चरण वर्मा, सुशकाल त्रिपाठी निराला। इन्होंने इस तरह की साहित्य के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। देखिए, सिर्फ लड़ाई ही काम नहीं देती, बल्कि लोगों के अंदर जोश पैदा करना यह भी एक लड़ाई का अंग होता है। समझ गए? उसी तरह जैसे क्रांतिकारी लड़े हैं तो उनके अंदर जोश जो है किसके माध्यम से गया है? कविता के माध्यम से गया है। उसी तरह की कविता भगवती चरण वर्मा जो क्रांतिकारियों के लिए लिखे थे, वह आपके होश में साबित की गई है दीवानों की हस्ती। आइए चलते हैं, अब भगवती चरण वर्मा ने कैसे लिखा है दीवानों की हस्ती। ठीक, तो जो क्रांतिकारी थे किसके आजादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वे क्या कह रहे हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती मतलब औकात ताकत, अब इसके सामने कही जा रही है इस देश की गरिमा और सम्मान के साथ। इस देश की गरिमा और सम्मान एक तरफ और दूसरी तरफ कौन है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। समझ गए? देश का सम्मान और गरिमा और दूसरी तरफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अब दोनों में कौन बड़ा है? तो यहां क्रांतिकारी कह रहे हैं उसके सामने, देश की गरिमा और सम्मान के सामने हम लोग क्या है? एकदम तुच्छ है, छोटे हैं। अगर मिट जाते हैं तो कुछ नहीं हुआ उसके सम्मान को बचाने के लिए। यार देखो भाई, हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती किसके सामने? देश की गरिमा और सम्मान के सामने है। आज यहां कल वहां चले, क्रांतिकारी दीवाने की जो मस्ती है अर्थात वह एक जगह रुकने वाले नहीं है। आज यहां है तो कल यहां को के लोगों को खुशी करते हुए फिर कल दूसरे जाकर के अपने क्रांति की योजना का प्लान बनाएंगे कि कैसे क्रांति करनी है। ठीक, हम दीवानों की क्या हस्ती, इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात एक तरफ हम दीवाने हैं, दूसरी तरफ देश की गरिमा और सम्मान की बात है, तो उस हस्ती के आगे हमारे दीवानों की हस्ती बहुत कम है, और फिर भी हम उसकी सेवा के लिए चल रहे हैं, इसके देश की सेवा के और सम्मान के लिए चल रहे हैं। आज यहां है, योजना बना रहे हैं, कल यहां से हट करके दूसरी जगह चले जाएंगे योजना बनाने के लिए। मस्ती का आलम साथ चला और हम दीवानों की मस्ती का झुंड में जो चल रहे हैं, आज यहां चल रहे हैं तो पूरा संसार हमारे साथ शामिल है और वह हमारे साथ चल रहा है।
मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। देखो धूल उड़ाते यहां एक मुहावरा हो जाए, ठीक है, अर्थात खुशियां मनाते हुए जहां हम चल रहे हैं वहां पूरे देश की जनता भी चल रही है। खुशियां मनाते हुए जहां हम चल रहे हैं वहां पूरे देश की जनता चल रही है। ऐसे दूसरी पंक्ति देखिए, आए बनकर उल्लास कभी, अर्थात जब वे एक नगर से दूसरे नगर को जा रहे हैं या एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं तो जिस गांव में जाते हैं वहां पूरे गांव में जोश और उल्लास भर जाता है, खुशी भर जाती है। आंसू बनकर बह चले, वे अगर एक जगह रुक जाते क्रांतिकारी तो अंग्रेजों को पता चल जाती और उनको दबा दिया जाता, इसलिए एक गांव में रह करके वह योजना बनाते हैं झुंड में और अगले दिन वहां से बना करके चल देते हैं। तो जो योजना बनाते हैं उसके साथ गांव के लोग सम्मिलित होकर के उसी से उनकी योजनाओं को सुनते हैं और करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो क्रांतिकारी रहते हैं फिर वहां रुकते नहीं है बल्कि दूसरे गांव में चले जाते हैं। अब जो उनके साथ योजना बनाए थे गांव के लोग, वे उनके जाने पर आंसू बहा करके रो रहे हैं कि साथी आए थे और योजना बना करके चले गए। आए बनकर उल्लास कभी, अर्थात इस गांव में वे क्रांतिकारी आए हुए थे और पूरा लोगों के अंदर जोश भर रहे थे और थोड़ी ही देर रुके और फिर यहां से चले गए। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले। पूरे गांव के लोग कह रहे थे आपने आकर के हमारे अंदर जोश भरा और कुछ ज्यादा बताया भी नहीं और यहां से फिर आप तुरंत प्रस्थान करते हुए दूसरी जगह को चले जा रहे हैं और इधर अगर रुक जाते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया जाता है, तो उन्हें एक जगह रहने की इजाजत नहीं है। वे जहां जाते हैं मस्ती से अपना झूमते हुए जाते हैं क्योंकि वे अपने प्राणों को समर्पित कर चुके हैं इसके साथ, देश की महिमा और गरिमा के साथ। ठीक इस तरह इस दोनों का अर्थ पूरा हुआ। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास।